वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक पोस्ट। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली, वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने पीछे का बैकग्राउंड है तो किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, अपने पीछे का बैकग्राउंड किस तरीके से, अपने वीडियो का बैकग्राउंड है जो दूसरा कर सकते हो, दूसरा लगा सकते हो अपने मन मुताबिक, कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो A to Z। तो कोई भी बैकग्राउंड अपने A to Z कोई भी चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या वर्क होने, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो वो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाले वीडियो में इतने बने। तो आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पीछे का बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको सिंपली से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो सिर्फ एक कलर का होना चाहिए, या फिर ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। तो आपके पीछे का कोई भी कलर नहीं चलेगा, या फिर ब्लू हो या फिर ग्रीन हो। दूसरी चीज़ ये, और ब्लू के अलावा कोई भी कलर यूज कर लें तो बैकग्राउंड रिमूव होगा या नहीं होगा। तो बैकग्राउंड तो रिमूव होगा, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा जितना ग्रीन और ब्लू में होता है वर्क होता है, क्योंकि वो ग्रीन या फिर ब्लू के लिए ही वर्क होता है। जो ग्रीन और ब्लू होते हैं तो उसी के लिए बैकग्राउंड रिमूव करता है। अगर आपको कोई भी अदर बैकग्राउंड है, वाइट है, रेड है, तो इस तरह अगर आपके कोई भी बैकग्राउंड है तो वहाँ पर आपका बैकग्राउंड उतनी अच्छी तरीके से रिमूव नहीं कर पाएगा जितना कि आप ग्रीन और बैकग्राउंड, ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड होता है। तो इस तरीके से अगर आप ग्रीन या फिर ब्लू बैकग्राउंड यूज करते हो तो अपने पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो आप देखते होंगे हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में इतना कम होता है, लेकिन हॉलीवुड मूवी में बहुत ज़्यादा इस तरह इन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई जाती हैं आपको, तो उस तरह की चीज़ें आप जानते हो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ पर ग्रीन या फिर ब्लू बैकग्राउंड का यूज होता है। वहाँ पर सिर्फ दो बैकग्राउंड यूज करते हैं, ग्रीन या फिर ब्लू। आप देखते होंगे यूट्यूब पर सर्च करिए तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से बैकग्राउंड यूज करते हैं, किस तरीके से शूटिंग होती है, किस तरीके से क्या होता है। तो आप इस तरीके से अपने पीछे का बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। तो अब हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो किस तरीके का है। तो अब हमारे पीछे का बैकग्राउंड जो है ग्रीन है, तो अब आपको जो देखने को मिल रहा होगा तो वो दूसरा कलर होगा, दूसरा होगा या फिर कुछ और होगा, तो अब दूसरा होगा। तो आप सोचते होंगे जो बड़े यूट्यूबर होते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे उनके पीछे का कोई एक अच्छा सा सेटअप होता है, लेकिन आपके पास तो अब नए यूट्यूबर है तो आपके पास सेटअप भी नहीं होगा। तो आप अपने पीछे का सेटअप किस तरीके से तैयार कर सकते हो? तो अपने पीछे का सेटअप तैयार करने के लिए आपको सिंपली सी आपके पास एक ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रीन बैकग्राउंड है तो आप अपने पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करके आप अपने किसी भी चीज़ को अपने पीछे लगा सकते हैं। आप कोई रूम की फ़ोटो ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी में, तो वो आप अपने पीछे सेटअप कर सकते हो। कोई रूम की, कोई भी यूट्यूबर के, कोई भी आप अपने पीछे का बैकग्राउंड ले लीजिए, कोई अच्छा सेटअप की पीछे अपना बैकग्राउंड लगा लीजिए, तो वहाँ पर आपकी वीडियो की क्वालिटी जो देखने में भी अच्छी लगेगी और आपका जो वीडियो होगी वो देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से वर्क कर सकते हो, तो आपका बैकग्राउंड भी अच्छी तरीके से रिमूव हो सकता है। तो जो गेमर्स होते हैं वो लाइव करते हैं तो आप देखते होंगे सिर्फ वही दिखाई पड़ते हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाई पड़ता, तो वो वहाँ पर भी इस तरीके का यूज होता है ग्रीन बैकग्राउंड। तो वहाँ पर ऑनलाइन एडिटर आता है तो वहाँ पर उनको एडिट कर देते हैं कि ग्रीन बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पर भी वो सिर्फ गए खुद ही दिखाई पड़ते हैं, पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन में आपको वो काइन मास्टर सबसे बेस्ट ऐप है वीडियो एडिटर का। अगर आप काइन मास्टर यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पावर डायरेक्टर में भी होता है, पावर डायरेक्टर में भी अपने बैकग्राउंड का रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वो PC आपके पास है तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एडिटर आते हैं, तो वहाँ पर कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो सकता है, आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है, आपकी वीडियो देखने वाले को भी अच्छे लगेगी। तो इस तरीके से आप वर्क करते हो तो आपका वीडियो अच्छी बनेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको भी इस ये दोस्तों आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना है आपको लाइक, साथ में चैनल को करना है सब्सक्राइब,
ताकि आपको जो इसी तरह की वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन है तो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस मैं आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।